Assalamualaikum everyone, once again welcome back to my channel, welcome back another vlog. आज के इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने किचन का मेकओवर. लास्ट ईयर भी मैंने आपके साथ अपने किचन का मेकओवर शेयर किया था और जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया था. और इस साल जो है मैं फिर से कुछ नई चेंजिंग के साथ जो है अपने किचन को बहुत अच्छे से पहले से ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है. तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी. अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी. तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैंने अपने किचन को जो है वो इसका कलर चेंज किया. अच्छा जी, तो इस बार मैंने जो है वो कलर सेलेक्ट किया है पेंट के लिए ग्रे कलर. और ये ग्रे की एक बिल्कुल लाइट टोन है जो मैंने सेलेक्ट की है. और इसके अलावा भी बहुत सारी मैंने चेंजिंग की हैं. जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम सभी को पता है कि जब हम लोग रेंटल अपार्टमेंट्स में रह रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं कर सकते हैं. और एक तो एक्सपेंसिव बहुत होता है. बाज़ दफ़ा आपके जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो आपको परमिशन भी नहीं देते हैं कि आप कुछ भी चेंजिंग करें. तो मेरी इस मामले में माशाल्लाह किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे हर बार जो है ना वो लोग परमिशन दे देते हैं. एक तो मेरे मेकओवर्स उनको भी बहुत पसंद आते हैं और मेरी कोशिश यही होती है कि कम से कम बजट में जो है मैं जितना अच्छे से कर सकती हूँ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ. तो अभी पूरे 2 घंटे बाद, क्योंकि मैंने ब्रश के साथ पेंट किया तो थोड़ा टाइम लगा. अदरवाइज़ अगर आप रोलर से करें तो मिनिमम 30 मिनट में पूरा जो है ना छोटा सा रूम फ़ौरन जल्दी हो जाता है. साथ साथ मेरी चल रही थी कुकिंग भी, साथ साथ नमाज की भी ब्रेक आ रही थी. बच्चों को कुछ चाहिए हो तो आपको पता है मदर्स हम घर पे जो है ना एक साथ बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो वो सब चलता रहता है. साथ में कुकिंग क्लीनिंग ये सब चल रहा था और बीच में थोड़ी थोड़ी ब्रेक भी आ रही थी बार बार मेरी. तो इसलिए ये काम एक दिन का तो था नहीं, क्योंकि एक दिन में आप तभी कर सकते हैं जब आप पूरा फोकस आपका एक काम पे होता है. लेकिन अगर आप बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हो तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है. और यहाँ पर मेरा क्यूट सा जिंजर मेरे साथ था और जिंजर मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहा था ब्रश पेंटिंग करते हुए. तो बड़ा वो जो है ना हैरान परेशान होकर मुझे देख रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ. अच्छा जी, सेकंड कोट के बाद जो है वो किचन बहुत अच्छे से लग रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट कोट में ना वो ब्लैक पेंट नज़र आ रहा था. और एक तो किचन आपको पता है कि हमारे जो देसी खाने होते हैं वो कितने ऑयली होते हैं और जिस साइड पे स्टोव पड़ा होता है ना वो वाली साइड तो पूरी की पूरी ना ऑयल से भरी हुई होती है. तो ये सब करने से पहले मैंने किचन को बहुत अच्छे से क्लीन किया था और उसके बाद ही मैंने पेंट स्टार्ट किया. और अब मैं आपको बताती हूँ वो चेंजिंग जो मैंने अपने किचन में जो है वो की हैं. ये आप लोग देख सकते हैं, ये वुडन शेल्स हैं जो मैंने यहाँ पर लगवाई हैं और अब माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी लग रही हैं. और अब फाइनली इंशाल्लाह किचन की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो किचन के अंदर ही होंगी. और ये आइडिया जी, मुझे कुछ आइडियाज़ जो है ना ये मैंने इंस्टाग्राम से लिए, कुछ मैंने प्रिंटर से लिए. यही थी मेरी इंस्पिरेशन जिनको देख कर मुझे ऐसा लगा कि इस तरह की चेंजिंग मेरे किचन में भी हो सकती हैं बहुत से कम बजट में. तो आप लोगों को भी अगर ये आइडिया अच्छा लगे, अगर आपका किचन भी स्मॉल किचन है और ज़्यादा कैबिनेट्स नहीं है आपके पास, तो ये बेस्ट आइडिया है आपके किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए. इसके बाद आते हैं जी फन पार्ट की तरफ. इसमें मैंने 2-3 DIYs भी किए हैं जो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. ये मेरे पास हैं कॉफ़ी जार की लिड्स जो कि ऑरेंज कलर की थी और इनको मैंने जो है वो अपनी थीम के हिसाब से ब्लैक कर लिया है. और अभी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये स्टिकी पेपर है, ये वाटरप्रूफ है, ये मैंने वॉलमार्ट से ली थी और ये मैंने 3 रोल लिए थे. और ये जो है मैं अभी अप्लाई करूँगी अपने किचन में. तो इसके बाद आपको मेरा किचन एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड न्यू लुक नज़र आएगी आपको और यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. अच्छा जी, इस तरह के जो
कांच के जार होते हैं ना, जितनी भी बॉटल्स वगैरह होती हैं बड़े साइज़ की, इसको हम इजीली जो है अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्पाइसेस या दालें वगैरह डालने के लिए। तो ये आप लोग देख रहे हैं, इसका जब हम रैप उतारते हैं तो ये जो स्टिकर्स हैं ये चिपके हुए होते हैं, और इनको जितना मर्जी आप वॉश कर लें ये साफ़ नहीं होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ज़बरदस्त एक DIY बता रही हूँ, आपने ज़रूर इसको फॉलो करना है। तो इस DIY के लिए हमें करना ये है कि हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल के डालने हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून। और इसके बाद मैंने लिया है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं आपने यूज़ करना, बेकिंग सोडा जो है इसके अंदर आपने ऐड करना है, वो भी तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। ये आप इसको जो है अच्छी तरह मिक्स करें। ये वाला जो मिक्सचर है ना, अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, ये देखें, इसको लगा के मैंने 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है इसको, और इसके बाद इसको वॉश कर देना है, और फिर रिज़ल्ट आपके सामने होंगे, आप हैरान रह जाएंगे। तो ये स्टिकर इसका इतना अच्छे से रिमूव हो जाएगा ना कि लगेगा ही नहीं कि यहाँ कभी पहले स्टिकर था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अक्सर कॉफ़ी के जार्स इतने ज़बरदस्त होते हैं कि उनको दिल नहीं चाहता फेंकने को, और काफ़ी बड़ी साइज़ की होती है वो जार्स भी। तो ये बेस्ट आइडिया होता है, उसको रिमूव करके आप तो कर लें। ये देखें इस तरह से मैंने ये और भी किए हुए हैं, ये भी बिल्कुल वैसा ही है और साफ़ सुथरा बिल्कुल क्लीन है। इसके अलावा ये एक और है, ये सब कॉफ़ी के जार्स हैं, क्योंकि मैं कॉफ़ी लवर हूँ, मेरा कॉफ़ी के बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं होता। तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है, जितने भी आपके पास कांच की बड़ी बड़ी जार्स होते हैं ना, उनको इस तरह से आप अच्छे से जो है क्लीन कर लें, तो इसमें बड़ा अच्छा लगता है, जो भी आप डालें बड़ी खूबसूरत लगती हैं चीज़ें, चाहे दालें हों या कोई स्पाइसेस वगैरह हों। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा निकला। अभी मैं इसको लगा के छोड़ दिया है, 15-20 मिनट बाद मैं इसको जो है रिमूव कर लूँगी, हल्का सा स्क्रब करना है, और ये खुद ब खुद सारा जिसका स्टिकर है ना वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगा। अच्छा जी, ये एक और जो है मेरे पास है, ये प्लास्टिक का जो है जार है, और इसकी जो लिड थी वो रेड कलर की थी, तो उसको मैंने जो है वो ब्लैक स्प्रे से पेंट कर लिया, और अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना गंदा स्टिकर इस पर चिपका हुआ है, मैंने बड़ी कोशिश की ये रिमूव नहीं हो रहा। तो इस पर भी मैं यही जो है लिक्विड अप्लाई करूँगी, तो उसके बाद फिर आप देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त हो जाएगा ये भी। अभी ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है, कितना नीट एंड क्लीन हो गया, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि स्टिकर्स कहाँ गए हैं। तो ये है इसका रिज़ल्ट। You've done to me, it feels